हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बच्चों एक्सेलरेटर सीरीज में, और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर हम आपके सामने हैं। चलिए देखते हैं कि आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है और कौन से चुनिंदा प्रॉब्लम्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में ये है। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सेंस क्या है, कैसे हम प्रॉब्लम को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो ऑफ 5:8, वेरी इजी। दो वेक्टर आप लोगों को दिए हैं, मैंने एक वेक्टर को लेट किया है स्टूडेंट कि भाई एक वेक्टर है मेरे पास में ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बी। अब आप देखिए, जरा थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चों, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास में बी है। 5:8 में दिया है, जब रेशो हम सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 5x। रेशो को जब हमने सॉल्व किया तो ए इक्वल टू 5x, इसे हम लोगों ने लेट किया है ए और इसे हम लोगों ने लेट किया है बी, और बी की जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट अपने पास में वो बनेगी 8x। ए इक्वल टू 5x और बी इक्वल टू 8x। देयर रिजल्टेंट हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड इन द रेशो ऑफ। बहुत आसान है बच्चों, ए इक्वल टू 5x और बी इक्वल टू 8x। देखो, दो वेक्टर का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है ना स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा रिजल्टेंट हो सकता है दो वेक्टर का, वो ये है ए प्लस बी। इससे बड़ा कोई रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखें। दो वेक्टर का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है वो है ए प्लस बी, और दो वेक्टर का जो मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है वो है बी माइनस ए। बड़े में से छोटे को माइनस हम लोगों ने किया है क्योंकि बी की वैल्यू है 8x और यहाँ की वैल्यू है 5x। चलिए मैक्सिमम की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13x, और माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 3x। सो हम ये कह सकते हैं बच्चों, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 13x अपॉन 3x एंड द फाइनल आंसर इज 13:3। लो भैया, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा बच्चों, वेरी इजी, बहुत आसान प्रॉब्लम है। रेशो हम लोगों को दिया तो सबसे पहले हमने उन दोनों वेक्टर को ही प्रिपेयर किया, दोनों वेक्टर को ही तैयार किया। एक वेक्टर निकलता है 5x, दूसरा निकलता है हमारे पास में 8x। मैक्सिमम रिजल्टेंट निकल कर आता है बच्चों अपने पास में 13x, ओके। मिनिमम रिजल्टेंट अपने पास में निकल कर आता है 3x। आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम यानी 13x डिवाइडेड बाय 3x, रेशियो निकल कर आता है 13/3। सो करेक्ट आंसर इज 13:3। ऐसे हम लोग बच्चों प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी अच्छे से। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बच्चों, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाकर जाएगा बच्चों, हर क्वेश्चन से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और जब तक आपका JEE और NEET का एग्ज़ाम नहीं होता है, हम आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट का बूस्टर देते रहेंगे जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू टच में रहें और आप लोगों का जो सिस्टम है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर है क्या भाई। द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज बाय 12 व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। प्रॉब्लम अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम की लैंग्वेज में ही उसका आंसर छिपा हुआ है बच्चों। अब हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना ध्यान से पढ़ना है कि हम एकदम से प्रॉब्लम बना पाए। देखो उसने ये कहा है, फर्स्ट लाइन देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है। 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल हम लोगों को नहीं पता है, वही एंगल हम लोगों को निकालना है। उसने कहा कि इन दोनों के रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है, जरा देखो यार इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, इनका रिजल्टेंट बनेगा 4² + 3² + 2 × 4 × 3
कॉस थीटा। लीजिए साहब, ये इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर है, क्योंकि रिजल्टेंट में आता है अंडर रूट, और मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है बच्चों, ये इन दोनों के रिजल्टेंट का स्क्वायर है बच्चों, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ओके, अब आप समझिए जरा ध्यान से, वो 12 ज़्यादा है बच्चों, प्लस 12 ज़्यादा है, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस बाय 12 व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे भैया, ये रिजल्टेंट तो तब है जब इनके बीच में थीटा एंगल बनता है। अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तब इनका रिजल्टेंट बनेगा 4 प्लस 3, और हमें इसका भी स्क्वायर लेना है। तो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक हम लोगों ने ये कंडीशन आपके सामने सेट कर दी है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक सिचुएशन है। ये रिजल्टेंट तो तब है जब इनके बीच में थीटा एंगल बनता है, बल्कि रिजल्टेंट का स्क्वायर है। ये रिजल्टेंट तब है जब इनके बीच में 90° का एंगल बनता है। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक जब इनके बीच में थीटा एंगल बनेगा, उस समय का जो रिजल्टेंट है वो 90° के रिजल्टेंट से 12 ज़्यादा है। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट किया। आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे सामने बनेगी। 4 ठीक है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। ठीक, प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक हमने सभी वैल्यूज को सेट कर लिया है और सिचुएशन हमारे सामने ये बन जाती है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं जरा आप लोग देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो चुका है। कभी आप कहें कि भाई अंडर रूट के अंदर हमने कैसे कैंसिल आउट कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया है, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, फिर हमारे पास में सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या बचेगा हमारे पास में, 24 cos θ इज इक्वल टू 12 cos θ इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 60°। लीजिए बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारा निकल कर आया है वो है 60°, क्योंकि कॉस थीटा के अंदर 1/2 60° की वैल्यू होती है। सो करेक्ट आंसर इज 60°। बच्चों, जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का वो 60° है। भाई देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या तरीका लगाया, पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तरीका हम लोगों ने ये लगाया स्टूडेंट कि हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो प्रॉब्लम की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज को सेट किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों। प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए आप लोग, प्रॉब्लम आपके सामने ये है, आप लोगों को ट्राई करना है और देखना है कि प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बच्चों मेंशन करिए कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, वेरी इजी, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर भी मेंशन है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।